क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपका दिन फंटास्टिक गया है। और मैंने चैट देखा और यू नो गौरव ने बोला कि हो सकता है कि आज बिटकॉइन 10K जा रहा है। सो आई मीन क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आई मीन रियली ये साल जो है बहुत बुलिश ट्रेंड पे चालू हुआ है। फर्स्ट मंथ इस 2020 का इतना बुलिश रहा है। और यू नो लेट्स नॉट फॉरगेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इस बार हालविंग है। सो बहुत पॉसिबिलिटी है। और सबसे बड़े हम लोग बात करेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिटकॉइन क्या न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो आपको पता है कि लास्ट जो ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का, वो 19,700 के आसपास था। 20,000 भी नहीं गया था, 19,700 के आसपास था, वो लास्ट का ऑल टाइम हाई है। सो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो होगा ऑब्वियसली 19,700 से ऊपर ही होगा। तो सवाल ये है कि क्या इस बार बिटकॉइन क्रॉस कर रहा है। और जिस तरह से प्रेडिक्शंस हैं, काफ़ी बुलिश प्रेडिक्शंस हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने तो बिटकॉइन के प्रेडिक्शंस 20,000 किया है, 25,000 किया है, 30,000 किया है, तो काफ़ी ईजिली अचीवेबल लगता है। बट ऑब्वियसली बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे जो इनकी प्रेडिक्शंस हैं, इन्होंने बोला है कि फाइव रीजन्स वाई बिटकॉइन इज प्राइम टू एक्सप्लोड अ न्यू हाई। पांच ऐसे कारण जो बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। जो लॉस्ट ऑल टाइम हाई था वो 19,700 था। उसके अलावा गाइज, आई एम श्योर आप लोगों के पास ट्रॉन है, राइट? और यू नो मोस्ट अवेटेड लंच और मे बी डिनर, आप जो भी बोल लो, लंच या डिनर वॉरेन बफे के साथ हुआ है। तो ट्रॉन के को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ट्रॉन ने कुछ अच्छे भी काम कर रहे हैं ट्रॉन, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है क्रिप्टो कम्युनिटी में। तो उसके बारे में बात करेंगे, ट्रॉन के जो ड्रॉबैक्स हैं, ट्रॉन से आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हो। सो यस, काफ़ी कुछ है। लेट मी नो मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है कि नहीं। एंड मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो। आई मीन इट्स अ बुलिश मार्केट गाइस। आई मीन आई एम श्योर कि किसी को कोई कंप्लेन नहीं है मार्केट से। एटलीस्ट पिछले एक महीने से तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है कि मार्केट क्रिप्टो मार्केट से कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। इनफैक्ट सब लोग खुश हैं। सब लोग अपना अपना बैग लेके बैठे हैं और सब सारे कॉइन्स पंप हो रहे हैं। सो ऑफकोर्स ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज आपको पता है बहुत ही रिस्की है, और क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला नियम ये है कि आप किसी और की ना सुनो, खुद की रिसर्च करो। किसी और की कभी भी मत ब्लाइंडली फॉलो करो। खुद की इन्फॉर्मेशन लो, खुद की नॉलेज लो, खुद की रिसर्च करो। एक नहीं 10 चैनल देखो और अपना दिमाग लगाओ और वही इन्वेस्ट करो आप जो रिस्क करने लूज करने के लिए तैयार हो। और दूसरा, ऑनलाइन आप टेलीग्राम पे स्कैमर से बचें, पर्सनल चैट से बचें, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे बचें, ईमेल में। यू नो मैंने आज स्क्रीनशॉट शेयर किया था, तो ईमेल में मुझे एक ईमेल आया और उसमें लिखा है कि क्लेम $250 आप क्लेम करो इस लिंक पे क्लिक करके। और वहाँ पे लिखा था blockchain.com का वॉलेट, राइट? सो ऐसे ईमेल्स भी आपको बहुत आएंगे जहाँ पे आपको लिखेगा कि आप अपने 500 का बिटकॉइन मिल रहा है या $200 का ये कॉइन मिल रहा है, आप इसको क्लेम करो। और जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे और अपना पासवर्ड डालोगे, आपका पूरा फंड जो उसमें है वो चोरी हो सकता है। तो ऑनलाइन स्कैमर्स भी हैं और ईमेल में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो क्रिप्टो में जब अगर आप आते हो तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ धोखा हुआ है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ वो धोखा हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे मैं बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देता हूं, ताकि आप स्कैम से बच के रहो। सो क्रिप्टो लवर, इट्स कोरोनावायरस इनडायरेक्ट इफेक्ट। जो कोरोना वायरस है, टू बी ऑनेस्ट ये ऑब्वियसली बहुत सीरियस इश्यू है, लेकिन काफ़ी लोग जिस तरह से बात करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से बिटकॉइन का इतनी भी हालत बुरी नहीं है कि आपको किसी कितना इनह्यूमन है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? एंड काफ़ी लोग खुश होते हैं कि यार बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। एंड इट्स अ वेरी इनह्यूमन वे, बहुत इनह्यूमन वे टू लुक एट किसी की यहाँ पे, क्योंकि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और उसके ऊपर ये बोलना कि इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़े, इट्स रियली सैड, वेरी सैड। इतना सेल्फिश और इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इश्यू है
और उसको क्रिप्टो से रिलेट एक्चुअली नहीं करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। और प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्रिप्टो को हर एक चीज़ से रिलेट करते हैं, कल को कुछ भी चाइना में हो गया या कल को कहीं भी कुछ भी फिएट मनी के साथ हुआ तो सबका सीधा रिलेशन ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो कारण हो टू बी ऑनेस्ट, राइट, और ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट मैंने काफ़ी चैनल्स देखे, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देखे जो बोल रहे हैं कोरोना वायरस, आई मीन इट्स अ सीरियस टॉपिक। लेट्स सी, एक मिनट मैं इसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। और आप लोग कैसे हो, आप लोग हाउ आर यू, लेट मी सी, इसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। परफेक्ट, नमस्ते अनिल, हाउ यू, कैसे हो आप। हर्ष गोरखपुर से, ए चेन के बारे में बताइए, एप कॉइन, ए चेन, आई थिंक मैंने रिसेंटली ए चेन के बारे में कुछ पढ़ा। यस, इमोशंस, घर घर क्रिप्टो, हेलो हर हर क्रिप्टो, घर घर क्रिप्टो, क्या बात है। सेल्फिश मत बनो भाई लोग, क्या बात है। नामदेव, हाउ आर यू, इट्स रियलिटी शिफ्ट, क्रिप्टो लवर सेज, या आई मीन इट कुड बी रियलिटी, आई मीन 2023 विल बी अ गुड ईयर फॉर क्रिप्टो, बिफोर दैट स्टॉप ड्रीमिंग फॉर रिटर्न, गो फॉर वर्क। सो सबीर बोल रहे हैं कि 2023 अच्छा साल होगा और 2020 साल नहीं होगा। सबीर, आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट अग्री विथ यू, मैं आपसे अग्री, आप मुझे बताओ यार कि $2,000 बढ़ गए वो अच्छा नहीं है आपके लिए, आपको क्या चाहिए आपको, आपके आपको चाहिए क्या, अब $2,000 भी आपको पसंद नहीं है तो आपको क्या चाहिए भाई। गौरव, बिफोर हालविंग BTC 19-20 की ऑल राउंड, आई मीन अगर आप ये बोल रहे हो कि हालविंग के पहले ही 19-20 जाएगा तो टू बी ऑनेस्ट हालविंग में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हालविंग के लिए सिर्फ 93 डेज ही बचा है। तो आप बोल रहे हो कि मई के पहले ही 20,000 जाएगा, पॉसिबल है, आई मीन कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में, तो रेडी रहो अगर ऐसा कुछ हो रहा है। बट मैं जिसमें बता रहा हूँ कि मार्केट रिवर्स भी ले सकता है एनी टाइम, सो आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट करने आना चाहिए, अदरवाइज क्रिप्टो बहुत रिस्की हो सकता है, आप दोनों के लिए रेडी रहो। सो यस, लेट्स सी और क्या हो रहा है चैट में। लखविंदर, हाय, हाउ आर यू, कार्डानो का अपकमिंग अमेजिंग, देखते हैं, जय महाराष्ट्र नांदेड़ से, क्या बात है सदाशिव। अब की बार दीपावली शिव भाई, क्या दीपावली, यस दीपावली काफ़ी लोग मना रहे क्रिप्टो में, सुपर गाइस, सुपर, थैंक यू सो मच, लाइक दबा देना एंड लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट। सो मार्केट में हो क्या रहा है, लेट्स लुक एट द मार्केट परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। 98 आई थिंक यस्टरडे से बढ़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इथेरियम 224, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है बट काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है इथेरियम से, मे बी 250-300 के आसपास, लोग 300 ईजिली प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि डीफाई बढ़ते ही जा रहा है। आज $1.01 billion हो गया डीफाई। सो यस, XRP माइनस में है, बिटकॉइन SV 16% अप, 341, सुपर ग्रोथ मिला है बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन SV को पिछले महीने में, सुपर मिला है। और ऑल्ट कॉइन्स चेन लिंक 2% अच्छा है यहाँ पे, कॉस्मोस माइनस में है, सो ऑल्ट कॉइन्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। किक टोकन कौन सा है, 125% 24 घंटे में 125% पंप हुआ है किक टोकन, लेट मी नो अगर आपके पास है तो सही। लिस्क 15% पंप हुआ है, सो यस काफ़ी कुछ ऑल्ट कॉइन्स में भी पंप हुआ है। बट ओवरऑल अगर महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देखोगे, आई मीन 7 दिन का परफॉर्मेंस देख लो क्रिप्टो का तो भी ग्रीन में है, 30 डेज का परफॉर्मेंस देख लो तो भी ग्रीन में है, सो यस सुपर्ब। नाउ एनीवे, ये क्या बंदा बोल रहा है कि देयर आर 5 reasons कि बिटकॉइन इज प्राइम टू एक्सप्लोर न्यू हाई। तो बेसिकली ये बंदा बोल रहा है कि 2020 ऐसा साल हो सकता है जिसमें बिटकॉइन न्यू हाई अचीव करेगा। तो आपको कभी भी, आई मीन कॉइन मार्केट खोलो, अगर कभी भी आपको किसी साल का, किसी महीने का आपको प्राइस देखना है कॉइन मार्केट, तो कॉइन मार्केट में खोलो और टूल्स में जाओ, टूल्स में जाके यहाँ पे हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में इस पर क्लिक करो हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स पे और साल सेलेक्ट करो। सो यहाँ पे 2013 से आप देख सकते हो, 2013, 2014, 2015, 16 और 2017। सो 2017 में आपको पता है, अगर आप थे तो आपको मालूम होगा, या फिर अगर आप बाद में आए होंगे तो फिर शायद आपको उतना ध्यान नहीं होगा, पर 2017 के मंथ दिसंबर में, अराउंड 17 दिसंबर के आसपास आप देखोगे उस दिन का मार्केट कैप खोलता हुआ और आप देखोगे क्या हो क्या रहा था। लुक एट दिस मार्केट कैप, 19,000 गाइस,
ये 19,750 एक्चुअली बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, बट ये 16 दिसंबर का है, आई थिंक कुछ 18 या 19 दिसंबर को 19,700 गया था। इथेरियम 719 था, उसके बाद इथेरियम का प्राइस बढ़ा था, जनवरी में $1,400 हो गया था। बिटकॉइन कैश भी 3.5 तक गया था वन, बट एनी वे यहाँ पे मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। सो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बेसिकली 19,700 है, और ये बंदा बोल रहा है कि नेक्स्ट ऑल टाइम हाई आएगा 2020 में, और बहुत सारे रीजंस दिए हैं। तो सबसे पहला रीजंस बहुत ऑब्वियस है और सभी को एक्सपेक्टेशंस है, वो बिटकॉइन हल्विंग है। सो क्योंकि बिटकॉइन हल्विंग को सिर्फ 93 डेज बचा है, जहां पे बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, इसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लो या फिर क्रिप्टो कम्युनिटी देख लो, एक तरह से सबको पता है कि बस बिटकॉइन की हल्विंग है, मतलब बढ़ेगा। आई मीन काफ़ी उल्टा भी होता है, काफ़ी टाइम पे उल्टा भी हुआ है कि जब सबको एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो उल्टा हो जाता है, प्राइस क्रैश हो जाता है। तो उस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान में रखना आगे क्या होगा। फिर दूसरा रीज़न क्या बोल रहा है, ग्लोबल डेट रीचेज रिकॉर्ड लेवल। सो आपको पता है एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं usdebtclock.org। तो अभी फिलहाल जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मेनली US डॉलर मेनली ऑपरेट होता है मेनली, राइट, जो US इकोनॉमी को मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। तो ये US का डेट क्लॉक है। सो बेसिकली जितने भी फियट मनी प्रिंट होता है और इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है एज अ डेट, इंजेक्ट होता है एज अ डेट, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 23 trillion का US नेशनल डेट है, डॉलर्स का यहाँ पे। तो ये बंदा बेसिकली बोल रहा है कि आप देखोगे तो ग्लोबल डेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और यहाँ पे 250 trillion बताया है। सो यस 250 trillion, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ 23 trillion कुछ तो दिखा रहा है, इतने सारे नंबर्स आप गलत भी हो सकते हो कि क्या नंबर से कैलकुलेट करने में। सो एनीवे ये बोल रहा है 250 trillion डॉलर का डेट हो गया है। बाद में बोल रहा है कि कैश बैलेंस विल बिकम मोर कॉमन। नाउ कैश बैलेंस तो नहीं बोल सकते हो, बट यस बहुत सारी जो करेंसीज हैं, बहुत सारी जो फिएट करेंसीज हैं वो डिजिटल जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रिसेंटली बताया था अराउंड 80% ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी डिजिटल जा रहे हैं। तो 80% सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जो फिएट मनी प्रिंट नहीं कर, एज इन फिजिकल मनी कैश प्रिंट नहीं करेंगे, डिजिटल जा रहे हैं। तो ये बंदा बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि जब कैश नहीं रहेगा तो लोग डिजिटल ही यूज़ करेंगे, और डिजिटल में लोगों के पास क्रिप्टो का ऑप्शंस ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और यू नो अडॉप्टेड है, ओके मोस्टली। दूसरी चीज़ फिर बैंक्स कंटिन्यू टू अब्यूज़ द पावर। तो बेसिकली अगेन ये इन्होंने बताया कि किस तरह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास कोई भी इकॉनमी में प्रॉब्लम है, इकॉनमी में ग्रोथ नहीं हो रही है, GDP कम है, जो भी है उसका एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? और प्रिंट करो पैसे, कैपिटल इंजेक्ट करो, और दूसरा कोई सोल्यूशंस नहीं है। और इसकी वजह से होता क्या है, इन्फ्लेशन होता है और लोगों के पास जो फिएट मनी है उसका वैल्यूएशन कम होते जाता है। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा पॉइंट है बिटकॉइन के लिए, यू नो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिटकॉइन का यही है कि बिटकॉइन को और ज़्यादा 21 million से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि वो उसके सप्लाई 21 million फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड दूसरी चीज़ जो एक्चुअली बिटकॉइन को समझते हैं, जो बिटकॉइन को सही से समझते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा नंबर वन पॉइंट है, आई मीन जो नए लोग हैं जो क्रिप्टो में एंट्री मार रहे हैं अभी, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बॉस ये जो है क्या बोलते हैं ये यू नो क्वाइटली प्रिंटेड 75, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये सेंट्रल बैंक्स कैसे काम करते हैं, बैंक्स कैसे काम करते हैं। आई एम श्योर अगर आप क्रिप्टो में अगर नहीं होते और बिटकॉइन में के बारे में आपको नहीं पता होता, तो शायद आपको ये भी नहीं पता होता कि सेंट्रल बैंक्स कैसे फिएट मनी इंजेक्ट करता है, या फिर ये डेट क्या है, ये सब आपको भी नहीं पता होता। आपको पता है क्योंकि आपने बिटकॉइन में आए, और जो भी बिटकॉइन में आता है तो जो सही बिटकॉइन के बिलीवर हैं वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन को बोलते हैं कि बॉस देखो एक सेंट्रल बैंक है जो अनलिमिटेड सप्लाई है, फिएट मनी कभी भी प्रिंट होता है, और एक तरफ बिटकॉइन है जो लिमिटेड सप्लाई है 21 million, और हर एक बिटकॉइन निकालने के लिए भी, सर्कुलेशन में लाने के लिए भी वहाँ पे कॉस्ट है, माइनर्स को कॉस्ट देना पड़ता है, और यहाँ पे आप फ्री में मनी ये कर सकते हो। तो ये डिफरेंस लोग बताते हैं उनको। तो जैसे जैसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आई एम श्योर ये जो लोगों को पता नहीं थी पहले, और
ये बेसिकली अभी मेन स्ट्रीम हो रहा है, अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं था, ये लोगों को नहीं पता था, अब लोगों को ये मालूम पड़ रहा है, तो ये रीजन है। और फिर दूसरा ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइंस बॉटम इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड। सो ये बंदा बोल रहा है कि बिटकॉइन हैज फाउंड इट्स बॉटम अराउंड द थर्ड ईयर ऑफ एवरी फोर ईयर हालविंग। सो जो थर्ड ईयर होता है हालविंग के बाद, वहां पे बिटकॉइन का बॉटम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गाय, ये बंदा बोल रहा है कि बिटकॉइन का बॉटम आके चला गया, तो अब बिटकॉइन का बॉटम नहीं आएगा, अब बिटकॉइन का यू नो देयर इज नो बॉटम। सो अभी सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट है बिटकॉइन में। अगेन ये गलत भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बिटकॉइन जैसे मैंने बताया बिटकॉइन शॉर्ट गिर भी सकता है यहाँ से, मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, ये सब प्रेडिक्शंस हैं। सो बट ये सब 5 पॉइंट्स हैं जो बता रहा है कि बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई टच कर सकता है 2020 में। लेट मी नो आपको क्या लगता है, लास्ट ऑल टाइम हाई था 19,700, आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन 2020 में न्यू हाई टच करेगा, विच इज़ मोर देन 20,000। ओके, और 20,000 अगर टच करता है तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट मतलब आधा जाएगा यहाँ से, पूरा 100% का ग्रोथ मिलना चाहिए यहाँ से। एनीवे, दूसरा चीज़ आई थिंक ट्रॉन, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोगों के पास ट्रॉन है, इनफैक्ट नॉट सिर्फ इंडिया में बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो आपको पता है इनका एक वॉरेन बुफे के साथ इनका एक लंच फिक्स था जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, पिछली बार ये जा नहीं पाए, इनको कुछ बीमारी थी और फाइनली वो लंच हुआ यहाँ पे। और कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं और कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं, तो अच्छी चीज़ें मैं बताता हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। तो सबसे पहली बात, तो इन्होंने ट्वीट किया कि अमेजिंग डिनर विद वॉरेन बुफे, फाइनली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एडवाइस ऑन हाउ टू टेक ट्रॉन टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ सरासर झूठ है, ये बंदा वॉरेन बुफे को क्रिप्टो का सी नहीं पता है, बिटकॉइन का दुनिया भर का बुराई करते रहता है। आई एम श्योर वॉरेन बुफे को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है, आई एम श्योर इन लोग ने कोशिश किया है बताने की कि क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है। इनफैक्ट ये बंदे ने यू नो वॉलेट भी BTC.com पे इनको वॉलेट भी सेटअप करके दिया वॉरेन बुफे को, उसमें कुछ BTC भी डाला है, कितना बिटकॉइन डाला है नहीं पता, बट इन्होंने बताया कि हमने उनको बिटकॉइन भी दिया है, सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन गिफ्ट किया है। तो चल मैं पहले ये बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी का फोल्ड इन्होंने दिया है। दिस लकी बिटकॉइन इज सेफली स्टोर्ड इन हिज नहीं अच्छा सॉरी उनके सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में बिटकॉइन वॉलेट डाउनलोड किया है, BTC.com वॉलेट। एक मिनट, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम लोग देखते हैं कितना, आई थिंक ट्रांजैक्शंस किया हुआ है, आई गेस दैट्स व्हाट इज सेइंग कि मैंने ट्रांजैक्शंस किया हुआ है। ओके सो राइट, ऐसे लगता है कि 1.0147 बिटकॉइन दिया हुआ है, राइट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है हैज इंक्रीज। ओके सो जस्टिन सुन ने वॉरेन बुफे को BTC.com वॉलेट पे इतना बिटकॉइन दिया है, 1.01 बिटकॉइन दिया हुआ है, आप इसका हैश देख सकते हो, एड्रेस देख सकते हो, ये वॉरेन बुफे के बिटकॉइन एड्रेस का एड्रेस है। और बाद में इन्होंने बोला है कि जब से दिया है हमने 16% बिटकॉइन पंप भी हुआ है, तो ऑब्वियसली जब इन लोग की आई थिंक लंच के बाद ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस पंप हो रहा है। सो एनीवे, सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने लंच किया है, और काफ़ी लोग थे, ईटोरो से था कोई बंदा है, देखो ये ईटोरो से आई थिंक ये वाला, बाद में ये आई थिंक बाइनांस से है इफ़ आई एम राइट, ये जो चार्ली ली लाइट कॉइन वाला, और ये कौन है राइट, ये भी कोई बंदा है, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या है, चार्ली ली क्रिप्टो, सतोशी लाइट, हेलेन उषा, राइट। एनीवे द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ कि ये बंदा बोल रहा है कि इनको वॉरेन बुफे से एडवाइस मिली कि ट्रॉन को कैसे बेटर बनाना है। आई मीन आई डोंट थिंक कि वॉरेन बुफे एक्चुअली एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ट्रॉन प्रोजेक्ट कैसे सक्सेसफुल करना है, बिकॉज ही उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल ये डिनर हुआ है फाइनली, एंड आप जैसे कि देख सकते हो इनका कितना ट्वीट है पता है, 12 ट्वीट है, 1 of 12, 2 of 12, 3 of 12, अब मार्केटिंग जैसा है बेसिकली ये ट्रॉन का, इन शॉर्ट इतना बड़ा मार्केटिंग हो चुका है यहाँ पे, और ये जो फंड्स है ये सब चैरिटी को जाएगा, ठीक है।
सो ये है, बहुत बड़ा मार्केटिंग हो चुका है ट्रॉन के लिए. नाउ दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से, मुझे अच्छी नहीं लगी, सो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है कि वॉरेन बफे को क्रिप्टो के बारे में ये लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं और पॉपुलर हो रहा है, अच्छी बात है. मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी देखेंगे कि वॉरेन बफे ने क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ लंच किया, डिनर किया, चलो ठीक है. दूसरी चीज देखो, अभी ये ट्वीट देखो, इथेरियम इज ओवर, वी हैव अ प्लान, इथेरियम इज ओवर, ट्रॉन मूविंग टू लिक्विड नेटवर्क. नाउ मुझे समझ में नहीं आया ये बात, बिल्कुल समझ में नहीं आया, इथेरियम इज ओवर मतलब क्या? आप लिखते हो कि वी हैव अ प्लान इथेरियम, सो आपके पास प्लान हो सकता है ट्रॉन को बेटर बनाने का, आपके पास प्लान हो सकता है ट्रॉन पे, ट्रॉन को एक्सपांड करने का, आपके पास प्लान हो सकता है कि ट्रॉन को कैसे मेन स्ट्रीम बनाया जाए, बट उससे इथेरियम का क्या लेना देना? आप ये क्यों कह रहे हो इथेरियम इज ओवर? आप किसी को नीचे दिखा के अपनी सुपीरियरिटी क्यों साबित कर रहे हो? और स्पेशली ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर पूरा डीफाई डिपेंड है, 1.1 बिलियन जो डीफाई है वो पूरा इथेरियम के ऊपर बेस्ड है, और आप उसको ही बोल रहे हो कि इथेरियम इज ओवर, और आपने एक सिंगल काम नहीं किया अभी तक, एक सिंगल डैप कोई यूज नहीं कर रहा है जहां तक मुझे पता है, और आप बोल रहे हो इथेरियम इज ओवर, एंड हु इज दिस? द हेड ऑफ ट्रॉन. तो आप सोच सकते हो कि आई मीन ये सब बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती. अगर आपको सच्ची में कुछ दिखाना है तो आपको एक्चुअली काम करना चाहिए. तो ये मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को आप बोल रहे हो कि इज़ ओवर विच इज़ डूइंग सो मच, विच इज़ डूइंग सो मच, और आप कुछ कर नहीं रहे हो और खाली मार्केटिंग भी कर रहे हो, और फिर भी आप बोलते हो कि यू नो ऑल दैट. सो येस, इन शॉर्ट दैट्स द न्यूज़. लेट मी सी चैट में क्या हो रहा है, एंड काफ़ी कुछ टाइम हो गया, और एक न्यूज़ है बट टाइम रहेगा तो मैं शेयर करूँगा, लेकिन मेरे लिए चैट इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी इन द चैट क्या हो रहा है. लंदन का एक्सचेंज है क्रिप्टो लवर, यू एक्सचेंज, व्हाट इज दिस? Remembers miners will sell off before halving, so before May BTC will crash. I think so. Yeah, I mean सबसे ज़्यादा problems miners को ही होएगा, क्योंकि miners की supply कम हो जाएगी. अगर price कम है, आप सोचो ना, I mean simple सा logic है, अगर price यही है but miners को 1800 bitcoin की जगह पे एक दिन में 900 bitcoins ही produce हो रहा है, तो obviously miners का loss है, right? अनलेस एंड अंटिल अगर प्राइस बढ़ता है तो, क्योंकि अगर सप्लाई हाफ हो रही है तो प्राइस डबल होनी चाहिए. अगर प्राइस डबल नहीं होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो माइनर्स का नुकसान है इसमें. माइनर्स क्या करेगा? लिक्विडेट करेगा, और उससे मार्केट क्रैश हो सकता है. प्राइस कुछ भी हो हम तो पैदा करेंगे. राजेश बिल्कुल, आई थिंक जो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, उन्होंने हिस्ट्री देखा है, तो उनको प्राइस गिरे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको, उनका लॉन्ग टर्म गोल कुछ और ही होता है. सर इस टाइम पे इन्वेस्ट करूँ पैक्सफुल से? आई मीन हर्ष, ये आपका पर्सनल डिसीजन है भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको आपका क्या गोल है, आपका क्या स्ट्रेटजी है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये सब आप ही आप बेहतर जानते हो बिना किसी और के. तो मैं तो बोलूँगा कि कभी भी डीसी ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं, डीसी डॉलर कॉस्ट एवरेज, राइट, ये करना चाहिए. तो ये तो हमेशा मतलब प्राइस कुछ भी हो, आप लेट से आपने $100 डाल दिया मंथली या वीकली, लेट से मंथली, और आप बाय करते रहते हो, तो प्राइस कुछ भी हो तो सबसे अच्छी बात आप $50 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा जाता भी नहीं है साथ में, और आपके पास टाइम भी होता है हर एक प्राइस पॉइंट पे बाय करने के लिए. सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है. ईथर इज वेरी वेरी स्ट्रांग. हाय शिवा, क्रिस कैपिटल माइनिंग इन्वेस्टमेंट साइट कैसी है, डू यू नो? सो खुर्रम, मैंने नाम नहीं सुना है क्रिस कैपिटल माइनिंग इन्वेस्टमेंट साइट, बट कोई भी ऐसी साइट, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए
बोले कि आप इन्वेस्टमेंट करो और आपको रिटर्न्स मिलेगा जो भी है 10% 20%। सो आप चीज़ एक चीज़ याद रखना कि आपका बिटकॉइन या आपका इथेरियम आप उस साइट ओनर्स को दे रहे हो, और वो बिटकॉइन का जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको फ़ायदा उसको मिलेगा, आपको नहीं। क्यों पता? क्योंकि आपने तो अपना बिटकॉइन उसको दे दिया, वो आपको क्या देने है? आपको क्या देने वाला है वो? 10% रिटर्न्स। तो आप 10% लोगे या 15% लोगे या 18% लोगे, और जब तक लोगे नहीं जब तक आपका रिफंड नहीं मिलेगा, और बीच में अगर वो देना बंद कर दिया तो आपका नुकसान रहेगा। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट साइट पे अपना बिटकॉइन इथेरियम मत दो, किसी और को मत दो, अपने पास रखो। आई मीन प्राइस ऐसे ही बढ़ रहा है तो आपको किसी और को देने की क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है। हाय दिनाकर, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम ब्रो। ईथर इज सॉलिड ऑफकोर्स। मैं 2017 से होल्ड कर सोच रहा हूँ और बाय कर लूँ स्ट्रैटिक पैक्स फुल से। स्ट्रैटिक, आई मीन यस हर्ष, आपको अगर 2017 से हो तो आई एम श्योर आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है मार्केट का, आई एम श्योर आप सही डिसीजन लोगे अपने लिए। ईथर इज एक्सपेंसिव? आई डोंट थिंक सो, बट पंप हुआ है प्राइस डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक कि ये एक्सपेंसिव है। ट्रॉन इज गुड इन मैनिपुलेशन, एब्सोल्युटली। आई मीन क्या मार्केटिंग करते हैं भाई, ये देखो ना, ये टोटल जो ये जो लंच या डिनर जो भी है इसका बिल है $515। ओके, सो $515 का इन लोगों ने खाया है, कौन सा क्लब था, बट ऑब्वियसली यहाँ पे 4.6 मिलियन जाएगा चैरिटी की तरफ। पैक्सपुल पे प्राइस बहुत महंगा है, पैक्सपुल का प्राइस बहुत महंगा रहता है, तो वहां पे जो सेलर्स हैं बायर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? वो खुद प्राइस चूज करते हैं। थैंक यू सो मच दिनाकर, आई वांटेड टू सी यू इन बैंगलोर, यू नो, बट या व्हाई डिड यू नॉट टर्न अप मैन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू बिकॉज आई नो यू आर फ्रॉम बैंगलोर ब्रो। मैटिक फ्यूचर सॉलिड लग रहा है मुझे, मैटिक का जो हिसाब से इनकी डेवलपमेंट हो रही है, सो यू नो मेरे हिसाब से राहुल। कॉइंस बिट एक्सचेंज एंड कॉइंस बिट टोकन कैसा है? प्रवीण नाम नहीं सुना मैंने कॉइंस बिट का। भाई अगर बुफे जस्टिन सन के साथ लंच कर सकते हैं तो क्रिप्टो के अगेंस्ट कैसे हैं? ना क्रिप्टो के अगेंस्ट कहाँ है, मैंने कब कहा क्रिप्टो के अगेंस्ट हो भी नहीं सकते ना, वहीं पे तो उनका जस्टिन सन को कौन जानता था उसके पहले यार। स्टेक्स एक्सचेंज से बीटीसी? ओके, मैंने नहीं सुना है राजेश, गुड फॉर यू। स्टेक्स एक्सचेंज, आई होप दैट, एक मिनट, क्या बोला आपने? स्टेक्स एक्सचेंज से बीटीसी और यूएसडीटी ऑल कॉइन से पैदा कर लेते हैं और महीने प्रॉफिट निकालते हैं, प्राइस कहीं पे, आई डोंट नो, आई मीन ये जो हिसाब से आप बोल रहे हो पैदा कर लेते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं, ये कोई स्कैम तो नहीं है? बी केयरफुल गाइस, आई मीन देखो मैं बताऊं, चैट में भी आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना खुद का रिसर्च करो, चैट पे हो गया, मैसेज पे हो गया, ग्रुप पे हो गया, तो बहुत सारे पोंजी स्कीम चल रहे आप लोगों के चैट्स के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के चैट्स पढ़ने में, आपसे बात करने में। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर।